मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन को क्या है, हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होता है। सेकंड, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटिंग क्या है, जो प्लांट को बढ़ने में क्या है, उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इनहिबिटिंग क्या होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद में आ गया समझ में प्रोमोटिंग का मतलब क्या होता है, जो प्लांट को की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करते हैं, और इनहिबिटिंग जो क्या है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसको इनहिबिटिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम 4-5 टाइप के हार्मोन्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है ऑक्सिन, सेकंड आता है जिब्रेलिन, थर्ड आता है साइटोकाइनिन, फोर्थ आता है इथीन अब्सेसिक एसिड। जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथीन, ये चारों टाइप्स के जो हार्मोन्स होते हैं, ये चारों टाइप्स के हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटिंग होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटिंग का मतलब क्या होता है, जो क्या है, प्लांट को तेज़ी से बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन बताया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथीन और अब्सेसिक एसिड। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथीन, ये क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं, जो प्लांट को तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन क्या होता है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होता है। सेकंड क्या है, कोई भी प्लांट्स को हम क्या है, डार्क रूम में रखते हैं, तो साइड से क्या है, विंडो में से जो भी सनलाइट पास होती है, तो क्या है, जो प्लांट है वो क्या है, उसी की तरफ बैंड हो जाएगा जहाँ से सनलाइट आ रही है। तो ये टेंडेंसी किसमें, ये किसकी कारण होता है, ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या है, जो प्लांट है वो क्या हो जाता है, सनलाइट की तरफ बैंड हो जाता है। तो ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है, शूट टिप पे। आपको पता है प्लांट के नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं, ऊपर वाले जो स्टेम के पार्ट को क्या कहते हैं, शूट। तो ये हार्मोन कहाँ पाया जाता है, शूट टिप पे। और दूसरा क्या है, ये लाइट सेंसिटिव भी होता है। लाइट सेंसिटिव का मतलब क्या होते हैं, कई प्लांट क्या हो जाते हैं, सनलाइट को क्या है, देख के क्या है, डार्क प्लेसेस में छुप जाते हैं। तो ये टेंडेंसी भी किसके कारण होती है, ऑक्सिन। सेकंड आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन किस में होता है, ये हार्मोन स्टेम और फ्रूट्स में पाया जाता है। और किसकी ग्रोथ करवाता है, स्टेम और फ्रूट की क्या है, ये जल्दी से ग्रोथ करवा देता है। सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, और सेल को क्या है, डिवाइड करने में भी ये हार्मोन्स हेल्प करता है, ताकि क्या है, सेल डिवाइड होके नई सेल बना सके। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेम और फ्रूट की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। थर्ड आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स होता है, जो सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है। और ये किस किस में, किस किस की ग्रोथ जल्दी करवाता है, ये सीड की और फ्रूट की क्या है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ करवाता है। अगला आता है इथीन। इथीन क्या है, फ्रूट को पकने में बहुत ही हेल्प है। जिस प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वो इथीन हार्मोन होगा, उसमें क्या होगा, ये फ्रूट को पकने में बहुत ही जल्दी हेल्प करता है। ये हार्मोन्स है, कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स भी डाले जाते हैं और कुछ नेचुरली होते हैं, जो ये भी ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं। लास्ट आता है अब्सेसिक एसिड। आपको बताए थे ये चार ऊपर वाले ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं, तो अब्सेसिक एसिड होती है इनहिबिटिंग हार्मोन, जो क्या है, ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसे विल्टिंग ऑफ लीव, जो पत्ते झड़ते हैं, ठीक है, वो क्या है, किसके कारण झड़ते हैं, अब्सेसिक एसिड के कारण। तो हमने कितने हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथीन, ये चार टाइप के हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, जो प्लांट को तेज़ी से बढ़ने में हेल्प करते हैं। और लास्ट आता है अब्सेसिक एसिड, जो क्या है, ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको कौन सा एसिड, कौन सा होता है, अब्सेसिक एसिड। थैंक्स।